Hello and welcome to my YouTube channel once again. ये analysis Comex और Mcx का है और अगर आपको सिर्फ Mcx के levels देखने हैं तो video आपको last तक देखना पड़ेगा और अगर आप even अगर आप सिर्फ Mcx levels देखने आए हो तो मैं आप चाहूँगा कि आप Comex के levels भी देखो क्योंकि Comex के levels बहुत ज़रूरी रहते हैं Mcx में. चलिए शुरू करते हैं. गोल्ड ऑलमोस्ट $1360 चल रहा है. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको ये डबल बॉटम बन रहा है. यहाँ डबल बॉटम खत्म हुआ है ऑलमोस्ट 1297 पे. ऑलमोस्ट $10 का मूव आ चुका है मार्केट में. अभी भी काफ़ी मूव बाकी है. मुझे लग रहा है $1317-18 तो आना चाहिए. बट अब जो मार्केट का जो कोर्स रहेगा वो अब फंडामेंटल से ज़्यादा रहेगा बिकॉज कल वापस से ब्रेग्जिट का वोट है, कल वापस से फेड है, फिर उसके बाद ECB का रेट डिसीजन है. तो अब जो ये 3-4 मेजर इवेंट्स हैं उसमें मार्केट ज़्यादा मूव करेगा. चलिए आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं. आज का गोल्ड का रेजिस्टेंस रहेगा $1312 का. अच्छा रेजिस्टेंस है ये मेरे चार्ट पे. 1312 अगर क्रॉस किया तो 1319 और 1326 तक जा सकता है. बट ध्यान रखिएगा अब मेजर जो फोकस शिफ्ट हुआ है वो फेड के ऊपर हुआ है और ब्रेग्जिट के वोट के ऊपर हुआ है जो दोनों कल हैं. आज का सपोर्ट रहेगा $1297 का. बहुत ही अच्छा सपोर्ट है. ऑलमोस्ट यहाँ से $9-10 नीचे ज़रूर है बट बहुत ही अच्छा सपोर्ट है. इसके नीचे अगर मार्केट गई तो 1290 और फिर मेजर सपोर्ट जो हमने 1288 का डिस्कस किया था वो भी आ सकता है. चलिए सिल्वर देख लेते हैं. सिल्वर मोर और लेस वहीं अटका पड़ा है. कल ये 42 तक गया ज़रूर था लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट. बट अभी भी सिल्वर के अंदर थोड़ा स्पाइक बाकी है मुझे ऐसा लग रहा है. बट जो अभी हम कल हमारे इवेंट थे उसकी वजह से हम ज़्यादा बाइंग सेलिंग कल तक के लिए तो होल्ड नहीं करेंगे. जो भी है आज ही या फिर मैक्सिमम कल शाम तक निपटा लेंगे उसको. चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं. सिल्वर का आज का सपोर्ट सेम तो नहीं है, 1525 है. रेजिस्टेंस ज़रूर सेम है. काफ़ी हफ्ते से इसका यही रेजिस्टेंस चल रहा है. अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर जा सकता है. अब ध्यान रखिएगा क्रॉस करना है और सस्टेन करना है. फेड के टाइम पे या ब्रेग्जिट के टाइम पे एक स्पाइक लेके मार्केट नीचे आ जाए तो उसे सस्टेन करना नहीं कहेंगे. एटलीस्ट एक दो कैंडल ज़रूर बनने चाहिए 1555 के ऊपर. चलिए क्रूड ऑयल देख लें. क्रूड ऑयल 5930 चल रहा है. कल ये 5950 तक गया था कल रात में और अभी भी ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है. थोड़ा सा पॉजिटिव तो है मार्केट बट ये रेजिस्टेंस 60-20 के आसपास ही है. चलिए आज का रेजिस्टेंस देख लेते हैं. क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस आज का 60-20 का जैसे मैंने आपको बताया. सपोर्ट रहेगा इसका 5880 का. मार्केट पॉजिटिव ही है तो डिप्स में बाइंग करना ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन सेलिंग. चलिए MCX लेवल देख लेते हैं. MCX में कल मैंने 4 कॉल्स दिए थे जिसमें से एक कॉस्ट पे निकल गए थे हम और 3 प्रॉफिट में निकले थे. ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास ही निकले थे हम तीनों में. चलिए आज देख लेते हैं क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस क्या है. क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस आज का रहेगा 4490 का. सपोर्ट रहेगा 3980 कल का सपोर्ट के कल का जो लो बना था उसके आसपास का सपोर्ट है ये तो ध्यान रखिएगा. चलिए गोल्ड का सपोर्ट है आज का. गोल्ड का सपोर्ट थोड़ा डीप है बिकॉज ऑलमोस्ट $10 का है तो 31550 का रहेगा. रेजिस्टेंस आज का रहेगा 31830. ये जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस काउंट किए हैं वो अभी के INR के पास किए हैं. 68.60 रुपये चल रहा है मार्च का फ्यूचर. चलिए सिल्वर का देख लेते हैं. सिल्वर अभी 38020 चल रही है. इसका रेजिस्टेंस 38230 है और इसका सपोर्ट रहेगा आज का 37780 का. कॉपर का सपोर्ट आज का रहेगा 439 का. कल हमने इसमें सेलिंग दिए थे, 2 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था. रेजिस्टेंस है इसका 447 का. चलिए अगर आपको मेरी सर्विस लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9920315014 पर. चलिए शाम को भी 5 बजे के बाद एक मार्केट का अपडेट दूंगा आपको. टेक केयर, बाय बाय.